अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स? हाँ जी, तो आज उमेरियन किचन में अगेन वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। और आज बड़ी सिंपल और इजी चीज़ जो हर घर की ज़रूरत है वो है होम मेड बिरयानी मसाला, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सो अब जो लोग परचेज करते हैं मार्केट से, मैंने कभी भी आज तक ये परचेज नहीं किया बिरयानी मसाला। मैं आपको आज इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हुए बताती हूँ। बड़ी अच्छी और बड़ी ही इजी और सारे घर में अवेलेबल होती हैं ये इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस बिरयानी मसाला के? ये मैंने सिर्फ ये एक टाइम के बिरयानी मसाला के लिए नहीं लिया, मैं भी बताऊंगी फिर आपको बता दूंगी क्वांटिटी कितनी शेयर करनी है। ये ऑलमोस्ट 28 to 25 है कार्डेमम। ये 2 टेबल स्पून है सौंफ, बड़ी इलायची है तकरीबन ये 10 to 12 लौंग है और साथ काली मिर्च है। 2 टेबल स्पून हमारे हैं जीरा क्यूमिन सीड्स, और इसको कहते हैं बादिया हताई, शायद स्टार एनएस, यस बादिया हताई। ये भी हमारी 10 ऑलमोस्ट है, और ये हमारी इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी में ये हमारी जायफल है। और ये हमारे हैं साबत धनिया, कोरिएंडर सीड्स, और ये नटमग जिसे कहते हैं, जायफल कहते हैं शायद इसको। और इसको अंदर से उतार के शेल से तो मैंने इस तरह थोड़ा सा पीसीज में कर लिए हैं। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 लिए हैं, 5 लिए हैं। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है तो 5 लिए हैं टोटल। और ये तकरीबन 10 to 15 है देगी मिर्च, चिली फ्लेक्स जो है, और ये एक दालचीनी है तकरीबन 3 to 4 इंच की। ये अब इन सब को व्यूअर्स, हम इन सब को एक पैन में थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद ग्राइंड करेंगे। चलें लेट्स हैव अ लुक। जी व्यूअर्स, अब ये मैंने आपको ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए। कुछ लोग इसमें टाटलियाँ, खटाई पाउडर भी डालते हैं, मैं नहीं डालती क्योंकि ऑब्वियसली बिरयानी में जब हम बनाते हैं तो सिरका भी, दही भी और आलू बुखारा डालता है। सो नो नो नीड फॉर दीज थिंग्स आई मेरी नज़र में। तो बड़ा अच्छा और बड़ा ही अच्छे फ्लेवर को और फुल ऑफ अरोमेटिक एक मसाला तैयार होता है कि आपको बाजार के मसाले खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले ये मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर सीड्स, इसको मैं हल्का सा भूनूंगी जस्ट जब खुशबू आने लगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। जब खुशबू आने लगे तो इसको उतार दें एक ट्रे में। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हल्का सा भी खुशबू आना शुरू हुई है। मैंने इसका थोड़ा सा कलर भी थोड़ा सा डार्क सा होना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसको मैं साथ ही इस ट्रे में रखूँगी। उसके बाद मैं ये देखें ये ज़ीरा, ये तकरीबन 100 ग्राम जो है ना, ये हमारा साबुत धनिया है, और ये ज़ीरा 3 से 4 टेबल स्पून, और साथ ही हम ऐड कर देंगे लौंग, और साथ ये लौंग अपने जिसको क्लोव्स कहते हैं, और साथ काली मिर्च, और ये स्टार एनिस, बड़ी इलायची, सौंफ, कार्डेमम जो 20 से 25 हमने ली थी, और साथ ही हम ऐड कर देंगे जायफल, और इसको हम हल्के हल्के से भूनेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने पहले भूना है। इसके साथ ही हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, जस्ट एक खुशबू, ये नटमक जो मैंने 4 से 5 लिए हैं, 10 से 12 मैंने ली हैं देगी मिर्चें, और 3 to 4 इंच की कार्डेमम स्टिक ली है, और इसको हम हल्के हल्के से भूनेंगे ताकि बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। ऑलरेडी जब आपको लगे कि इसकी अरोमा आने लगा है, देन यू विल स्विच ऑफ आवर फ्लेम। बहुत अच्छा और बहुत इजी ये मसाला है। सो मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मस्त बनाइए घरों में, रब मैं तो बना के अपने रख लेती हूँ, और बाद में जब जब बिरयानी बनाती हूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको कमिंग अप रेसिपी में बिरयानी ही मैं बनाना सिखाऊंगी। सो मैंने कहा सबसे पहले व्यूअर्स से ये अपनी बिरयानी की मसाले की रेसिपी शेयर कर लें, देन वी विल मेक। जी ये ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट लगे हैं इनकी खुशबू आने में, बहुत ज़्यादा मैंने भूनना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना। तो अब हम फ्लेम इसकी ऑफ कर देते हैं, और इसको भी हम अगर इन सब इंग्रेडिएंट्स को इसमें शामिल करते हैं, और अब अगर बस ग्राइंडर और मिक्सी है तो उसमें मैं ग्राइंड करती हूँ। जी व्यूअर्स, अभी मैं ग्राइंड करने लगी हूँ,
है, मैंने ग्राइंड कर लिया। हमारा होममेड जो चाट मसाला है वो रेडी हो गया, वो सॉरी बिरयानी मसाला। ये देखें कितनी अच्छी इसकी फॉर्म आई है, सब मसाले इसमें मिक्स हैं। और इसको हम किसी भी आपके घर में जो प्लास्टिक का जो भी बर्तन अवेलेबल है, या मैं तो जार में डालती हूँ, और फिर ये ऑलमोस्ट इतना आपका है कि आपका 1 मंथ 2 मंथ चल जाता है, एज़ पर टू यू कि आपकी बिरयानी बनाने की 1 महीने में कितनी कंजप्शन है। ऑलमोस्ट हमारे भी महीने में 2 दफ़ा तो बिरयानी बन जाती है। तो ये बेस्ट मसाला है, यू मस्ट ट्राई, और नो नीड टू परचेज बिरयानी मसाला नाउ इन शॉप्स और मार्केट्स। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, होममेड बिरयानी मसाले की। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। प्लीज़ ट्राई की, देखें कितनी क्वांटिटी बन गई है ये। मैं तो इतने बिरयानी मसाले में तकरीबन 5 से 6 बिरयानी मेरी बन जाएगी, 5 से 6 दफ़ा, 6 to 8 times भी, क्योंकि मैं बिल्कुल बाज़ार का मसाला नहीं यूज़ करती। तो यू मस्ट ट्राई एंड सेंड मी द फीडबैक व्हेन यू विल मेक। और दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरे बेटे रयान और मेरी सारी फैमिली को। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।